कई साल पहले गोरखपुर नामक एक गांव में जीतू नाम का एक सेठ रहता था। सेठ का गेहूं चावल जैसे अनाज का व्यापार था और उसके गोदाम में मजदूर चावल और गेहूं की बोरियां लाते ले जाते थे। जीतू सेठ वैसे बहुत पैसे वाला था और वह एक ईमानदार और नेक दिल इंसान था। सेठ जी के सभी मजदूरों में उनका एक खास मजदूर था, भीमा। भीमा को सेठ जी अपना सबसे वफादार नौकर मानते थे। अरे ओ भीमा, अभी आया सेठ जी। आज का काम कैसा चल रहा है? मजदूर बराबर काम तो कर रहे हैं ना? सेठ जी, आज गोपाल छुट्टी पर है और राजू आधा घंटा लेट आया है। ठीक है ठीक है, जाओ अब अपना काम करो। जीतू सेठ भीमा से हमेशा खुश रहता क्योंकि वह मजदूरों की सारी बात सेठ को बताया करता था, जिससे जीतू सेठ को भीमा पर बहुत भरोसा था। एक दिन सेठ जी अपने गोदाम पर बैठे थे और वह भीमा को आवाज लगाते हैं। भीमा जरा इधर आ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जी हुजूर, बोलिए। आज से मैं घर जल्दी जाया करूंगा, तुम शाम होते ही गोदाम बंद करके चाबियां मेरे घर पहुंचा देना। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। अब भीमा ने सेठ के इस विश्वास को एक अच्छा मौका समझा। सेठ जी तो बड़े बेवकूफ निकले, मुझ पे विश्वास कर लिया। भीमा अब शाम को गोदाम बंद करते समय कुछ चावल की बोरियों से चावल चुरा लेता है और उन्हें एक पोटली में भरकर ले जाने लगता है और फिर उन्हें बाजार में ले जाकर उन्हें बेच देता है। चालाक भीमा अगले कई दिनों तक गोदाम से कभी गेहूं तो कभी चावल चुराता रहा और बाजार में बेचकर पैसा लेता रहा। जीतू सेठ को इसकी भनक तक नहीं लगी और वो अभी भी भीमा पर उतना ही विश्वास करते थे। खैर, धीरे धीरे भीमा ने बहुत सारा अनाज चोरी कर बहुत सारा पैसा जमा कर लिया। एक दिन गोपाल नाम के एक मजदूर ने भीमा को चुराया हुआ चावल बेचते हुए देख लिया और वो सीधा सेठ के पास इसकी शिकायत करने पहुंचा। सेठ जी, सेठ जी। क्या हुआ, इतनी रात को यहाँ कैसे? सेठ जी, भीमा गोदाम से चावल को चोरी कर दुकान पर बेच रहा था, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। क्या बात करते हो, तुम भी ना? मैं नहीं मान सकता, भीमा चोरी नहीं कर सकता है। जैसी आपकी मर्जी, मैंने जो देखा है वो आपको बता दिया, अब आप जानो। उसके बाद भीमा रोज चोरी किया करता था और सेठ जी को कानो कान खबर नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक दिन भीमा सेठ के यहाँ काम पर नहीं आया। क्या बात है, आज मेरा वफादार नहीं आया, लगता है बीमार हो गया है। चलो बेचारे से मिलकर आता हूँ, कितना भोला है। सेठ जी अब भीमा के घर की ओर चले और उन्होंने देखा कि भीमा एक बड़ी दुकान खोलकर बैठा है। आइए आइए सेठ जी, आपका स्वागत है, मैं आपको ही याद कर रहा था। क्या भीमा, ये सब क्या है? आपको तो पता ही है आप कितने कम पैसे देते हैं। अब मेरा घर नहीं चल रहा था तो जरा मैंने अपना व्यापार शुरू कर लिया, वो भी आपके पैसों से। धोखेबाज नौकर, तूने मुझे ही लूटा। गोपाल ने सच कहा था, तू गोदाम से चोरी करता था। मैं और कर भी क्या सकता था, और मैं बेवकूफ तुझ पर विश्वास करता रहा। अब जीतू सेठ गुस्से से वहां से चले गए और उन्होंने एक सबक सीखा कि कभी किसी गैर इंसान पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि स्वयं का नुकसान हो जाए।